हार्दिक पांचाल और आज हम बर्गमैन का वाइजर चेंज करवाने वाले हैं। दो साल हो गए यार वाइजर को देखते देखते, तो आज हम इसका ना वाइजर चेंज करवाएंगे। और वो जो नए वाला डिज़ाइन चल रहा है ना आज के टाइम में प्लास्टिक वाला और साइड मिरर में ब्लिंकर लग जाता है, तो वो लगवा रहे, एक बार प्रोसेस देख लो। आपको कुछ नहीं करना, खाली ये ऊपर वाला वाइजर उतर जाता है इसका, ये चार पाँच नट होते हैं इनको खोलने के बाद, है ना। और भाई लुक काफ़ी अच्छी आती है उनके, मैं आपको लुक दिखाऊंगा। पहले बिफोर लुक देख लो आप, बिफोर में कैसी लगती है स्कूटी पहले के लुक में, और फिर आफ्टर भी दिखाऊंगा। और इसके जो इंडिकेटर है ना, इनके अंदर भी बल्ब वगैरह चेंज हो जाएगा। एक बार मैं आपको वाइज़र दिखाता हूँ, ये कुछ वाइज़र है और ये वाइज़र बर्गमैन पे लग जाएगा, है ना। वो पुराने वाला देख लो आप एक बार, पुराने वाले की क्या लुक है और ये नए वाले की लग जाएगी। और साइड मिरर में जो है ना उसमें भी इंडिकेटर आते हैं, इसके अंदर साइड मिरर पे भी इंडिकेटर चलेंगे, ये वाले मिरर हट जाएंगे और जो प्लास्टिक का इसी पे लगेंगे। ये होते हैं साइड मिरर, जो कि मतलब थोड़ी ग्राफिक वगैरह काफ़ी अच्छे से लगते हैं इनमें देखने में, देख लो आप क्या मस्त क्वालिटी है। और ये इंडिकेटर, इसमें LED जलती है, LED फ्लैशर साथ में जैसे इंडिकेटर देते हैं, और प्लस इसके अंदर ना यहाँ पे भी लाइट जलती है जब इंडिकेटर देते हैं ना, तो यहाँ पे जैसे कि ये कॉर्नर है ना, तो यहाँ पर भी लाइट जलती है फ्लैशर वगैरह के, कोई साइड इंडिकेटर दिया है। और ये लगेंगे यहाँ पर इस टाइप से, ये वाले लगते हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल एडजस्टेबल होते हैं। ये पुराने वाले तो आपके हैंडल में आते थे, बट ये वाले यहाँ पे लगते हैं बिल्कुल एडजस्टेबल होते हैं। गाइस आपको इसका ना नीचे वाला पैनल खोलना है, जो सेंटर वाला पैनल होता है ना, क्योंकि वायरिंग वगैरह इसी के अंदर कनेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे दो बोल्ट दे रखे हैं, इनको बोल्ट को खोलना है आपको। और ये ऊपर वाला तो मीटर ऐसे एज इट इज़ रहता है, और फिर एसेसरीज हटानी पड़ेगी शायद से। एसेसरीज हटाएगा भाई? नहीं, ऐसी रहेगी भाई, एसेसरीज ऐसे ही फिट रहेगी, बस वो थोड़ा बीच का पैनल खुल जाएगा इस। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लेट लगानी पड़ती है, दोनों साइड लगती है, फिर उसके ऊपर वाइज़र फिट होता है। अगर आप इसको लगाओगे तो फिर वाइज़र है ना वो अंदर को रहेगा, मतलब फिट नहीं हो पाएगा, उसकी फिटिंग अच्छे से नहीं आ पाएगी। इसको लगाने में बिल्कुल एक्यूरेट फिटिंग आती है, और दोनों साइड लगता है, बिल्कुल अच्छे से फिट हो गए, देखो ना हिल रहे हैं, बिल्कुल फिक्सेबल हो गए और हिलते भी नहीं है जरा से भी, बिल्कुल मतलब कुछ भी कर लो, पर जैसे पहले वाला वो था ना वाइज़र वैसे ही फिट रहता है। आपको ना इसका प्राइस वगैरह ही बताऊंगा कि क्या कुछ खर्चा आता है इसके अंदर, ब्लिंकर वाइज़र वगैरह चेंज कराने में, हज़ार लगवाने में, सारा प्राइस बताऊंगा मैं आपको, वीडियो एंड तक देखना। और गाइज अगर आपको पीछे के फ्लैशर डलवाने, तो पीछे की बॉडी भी ओपन करनी पड़ती है, क्योंकि ये देखो ये वाले थे ओल्ड वाले इंडिकेटर के बल्ब, जो कि ओल्ड वाले इंडिकेटर लगे हुए थे, बट अब ये खुल के पैनल बॉडी पैनल खुल जाएगा, फिर इसके अंदर ना वो दूसरे वाले फ्लैशर जलेंगे। तो गाइज पीछे वाले जो इंडिकेटर है वो आपके यहीं से निकल जाते हैं बाहर से, मतलब पीछे ये बॉडी खोलनी पड़ती है थोड़ी सी, है ना, और यहाँ से भाई निकाल रहा है, यहीं से इंडिकेटर निकल जाते हैं आपके। और वाइज़र वो कनेक्टिविटी जो होती है वो होती है आपकी कपलर टू कपलर। तो गाइज ऐसे इनके कुछ मतलब यहाँ पे ना ब्लिंकर की वो लग रही है साउंड, जो मतलब ब्लिंक करेंगे ना चारों इंडिकेटर एक साथ, तो ब्लिंकर लग रहा है यहाँ पे। देखो गाइज ये होता है इसके हज़ार्ड लाइट, और ये आपकी सीट टैग की है जिसमें कि ब्लिंकर भी करते हैं, चारों हज़ार्ड भी जलती है। इसके एक बार पुराने वाले इंडिकेटर दिखाऊं, तो ये वाले पुराने वाले बल्ब थे जिनमें रोशनी तो काफ़ी कम थी, बट ये जो नए वाले हैं ना, ये देखो ये नए वाले हैं, इनकी रोशनी काफ़ी बेटर है इनसे पुराने वालों से। देखो नए वाला वाइज़र लग चुका है, मतलब अभी इसमें दो नट बाकी है यहाँ पे लगने, तो ये ऐसे ना फिक्स हो जाएगा यहाँ पे। और मिरर को एक बार दिखाता हूँ मैं आपको, मिरर लगता है यहाँ पे जो इसमें इस होल किए थे ना, देखो यहाँ होल किए थे जो, यहीं पे मिरर के नट टाइट हो जाते हैं और मिरर से ऐसे फिट हो जाते हैं। वही लुक जो निकल के आती है ना काफ़ी हैवी सी भी लगती है फ्रंट में से, और ये एडजस्टेबल होते हैं, ऐसा नहीं कि एडजस्टेबल नहीं होते, ये फुल एडजस्टेबल होते हैं। देखो अभी इसके वाइज़र लग चुका है और मिरर में फ्लैशर भी लग चुके हैं, है ना। देखो काफ़ी अच्छी लुक आती है फ्रंट से, तो है ना, अभी ये जैसे इस वन साइड जल रहे हैं ना, जैसे वन साइड का इंडिकेटर दिया है, अभी इसके अंदर ब्लिंकर जो वो लगवाया था ना किट से, उससे अब चारों इंडिकेटर भी जल जाएंगे। जैसे ये कनेक्शन अभी दिखाता हूँ मैं आपको किस टाइप से होता है वो, है ना, तो अभी इसके अंदर चारों भी जल जाएंगे, जैसे हज़ार लाइट होती है अपनी, और ये वन साइड इंडिकेटर तो है ही, है ना, तो लुक काफ़ी बढ़िया आ रही है। देखो दूर से दिखाता हूँ, और बिफोर लुक देखी थी आपने और ये वाली लुक देखो, हमने ये लगवाया बर्गमैन स्ट्रीट का मैट, देखो ट्रिपल टोन में वाइट सिल्वर ब्लैक रेड ब्लू, चार चार कलर है, और लुक भी सही लग रही है इसकी दूर से देखने में ना, मतलब अट्रैक्टिव सा लग रहा है थोड़ा, क्योंकि बर्गमैन के ना मैट आते नहीं थे ज़्यादा, बट ये कहीं से मिल गया है, सही है। और ये ऊपर लगवाया जानबूझ के, क्योंकि हिल रहा था, अगर इसके ऊपर रखवा रहे थे ना ऐसे तो हिल रहा था, स्लिप मार रहा था, रबड़ से का कपड़ा है, तो अब फिक्स हो गया, आगे इसमें नट लग जाते हैं और यहाँ पर भी ये फिक्स करा दिया। गाइस ये देखो लुक, ये अब चारों ब्लिंकर जल चुके हैं, और इसके अंदर ना काफ़ी सारे मोड है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चेंज होते हैं। ये देखो इंडिकेटर के वाले बटन से ही हो, ब्लिंकर का यही फ़ायदा है। अब देखो जैसे हमें इसको बंद करना है, अब यहाँ पे देखना और शीशों में देखना, लाइट जलेगी। अब हमें अगर चारों इंडिकेटर, ये होगा हमारा लेफ्ट का, ये देखो यहाँ पे ब्लिंकर है ना, तो इसमें शीशे में भी लाइटिंग जलती है, जैसे इंडिकेटर देते हैं ना लेफ्ट या राइट का, तो इसमें जलती है। और अगर हमें चारों जलाने, तो उसके लिए क्या करना है, एकदम से लेफ्ट राइट और सेंटर वाला दबा देना। अब देखो चारों ब्लिंक करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, और फ्रंट से दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं अब।
और लुक भाई कति मस्त आ रही है लुक तो कहीं। और इसमें ना काफ़ी सारे मोड है, अगर इंडिकेटर वाला जलाएंगे ना तो ये दूसरा मोड हो गया। अभी एक थोड़े मतलब डार्क से जल रहे हैं, काफ़ी सारे मोड है गाइस। फाइनली स्कूटी की लुक देख लो, कंप्लीट लुक है ये। और इसके जो पुराने वाले मिरर्स थे वो हट चुके हैं, और अब ये देखो लुक इंडिकेटर में क्या शाइनिंग मार रही है। और पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको एक बार पीछे से ब्लिंकर कैसे है इसके। तो ये देखो गाइस पीछे के ब्लिंकर है ये कुछ। और इनका एक बार बता देता हूँ, लेफ्ट करोगे तो एक इंडिकेटर जलने लग जाएगा, और ये मिरर में जल रहे हैं ना जो, ये देखो मिरर में जल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेफ्ट राइट मतलब देखो क्या करना है, लेफ्ट राइट और एकदम सेंटर में दबा देना है, चल जाएंगे तीनों के तीनों। और गाइस अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसमें टोटल कॉस्टिंग आई है 3000 बता देता हूँ मैं कैसे, जिसमें कि ये साइड मिरर्स थे ये अलग से 900 के है, मतलब 1000 के ही मान लो, ये टोटल 4000 के हो जाएंगे, क्योंकि साइड मिरर्स कई और से लिए थे और ये कई और से। इसमें खाली 3000 रुपये खर्चा है इसमें, और जो इसकी वो लगी थी हज़ार लाइट। और अगर आपको कुछ भी ऐसी सीरीज़ का काम करवाना है तो आपको आना है सीधा मोटो मंत्रा करोल बाग, जो कि है नाई वालान में। इसका एड्रेस देख लो, 51 नंबर गली के बिल्कुल कॉर्नर पे है, 1808 नाई वालान करोल बाग। और आपको मिलेंगे यहाँ पे मुर्शिद, तो मुर्शिद भाई आपको डिस्काउंट वगैरह सब करा देंगे बढ़िया, तो मिल सकते हैं आप मुर्शिद भाई से आके। ओके गाइस वीडियो पसंद लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब करना, थैंक यू।